आज आएगी इस हमारे पास भी कमाल का ब्लूटूथ स्पीकर। आज गई होने वाले हैं का ऑपरेशन, अभी रुक रुक के चलेगा। देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे काफी कमाल का दिखने वाला ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि रिचार्जेबल भी है और गई काफी बढ़िया क्वालिटी का भी है। बट यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये लगभग जो है ना JBL की कॉपी है मेरे को लग रहा है। बट हाँ ये जैब्रोनिक्स का है, बट हाँ JBL का जैसा ही लगता है। JBL के भी आपको इस टाइप के बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर मिल जाएंगे। और आज गई हम यहाँ पे करने वाले हैं इसका ऑपरेशन। जी हाँ गई, और इसको खोल के भी देखने वाले इसके अंदर क्या क्या लगा आता आपको सब बताऊंगा। और ये जैब्रोनिक्स का और इसका मॉडल नंबर है, ये देखो बैरल यहाँ पे 150, ठीक है। और काफी मतलब बड़ी है, इसका साउंड भी अच्छा है, मैंने अभी चला के देखा। बट यहाँ पे ना इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे कि अच्छे से चार्ज नहीं हो रहा। चार्ज हो रहा है तो भाई साहब बहुत ही जल्दी डाउन हो रहा है, बट मैक्सिमम चार्ज हो ही नहीं रहा, ठीक है। थोड़ा बहुत होता है एंड गेज तुरंत ये काम करना बंद कर देता है। और सेकंड गेज जब मैं इसको फोन के साथ कनेक्ट करके गाने बजाता तो फटफट का साउंड आ रहा है, मतलब फटफट का साउंड मतलब ये रुक रुक के चल रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखो यहाँ पे पहले बिना चार्जिंग के चलाता हूँ, ठीक है। ये ऑन, देखो ब्लूटूथ, ठीक है, ये ऑन हो गया और कनेक्टेड भी हो गया। चलो म्यूजिक प्ले करता हूँ, देखो अब यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही गई ना, देखो अभी रुक रुक के चलेगा। देखो ये प्रॉब्लम आ रहा, देखो भाई साहब, तो ये काम नहीं कर रहा, बंद हो गया। देखो तो ये भाई साहब इसका प्रॉब्लम बैटरी का, क्योंकि साउंड आ रहा है, स्पीकर सही है, एम्पलीफायर बोर्ड सही है, क्योंकि एम्पलीफायर बोर्ड खराब होता तो भाई साहब आवाज बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ पे आवाज आ रहा है और बैटरी इसका चार्ज नहीं हो रहा। हो सकता है बैटरी खराब हो सकता है इसका चार्जिंग वाला सिस्टम खराब हो कि बैटरी को चार्ज ना कर पा रहा हो। तो दोनों ही हम चेक करने वाले हैं कि चार्ज कर रहा है, चार्जिंग में कितनी मतलब वोल्टेज आ रही है और बैटरी खराब है या नहीं खराब, ये भी देखेंगे। तो बहुत ही मजा आने वाला है। एंड हेलो गाइस, तो फिर कैसे हो आप लोग, एकदम मस्त होंगे एंड वेलकम आपका हमारे और दादी फ्रेश ब्लॉग के अंदर। चलो फटाफट फिर शुरू करते हैं इसका ऑपरेशन करना। इसको आज हम एकदम मस्त बना देंगे। और ये भाई साहब मेरा नहीं है, ये भाई साहब मेरे एक फ्रेंड का, तो इसीलिए गाइस आज इसको सही करेंगे, तो बहुत ही मजा आएगा। चलो फटाफट से यहाँ पे ट्राइपॉड पे लगाता हूँ तो आपको भी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ से खुलेगा, देखते हैं इसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो भाई साहब फाइनली ये खुल गया कुछ इस टाइप से, और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा जितना मेरे को यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बैटरी के प्रॉब्लम है। अगर बैटरी खराब हो तो चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे भाई साहब ये स्टिकर तो काफी आसानी से खुल गया, शायद हो सकता है किसी को दिखाया हो पर पता नहीं गई, अभी इसको खोल के पता चलेगा। तो ये देख सकते हो भाई साहब कुछ इस टाइप का इसका सिस्टम है, और इसका ना ये ब्लूटूथ पैनल है, मतलब एम्पलीफायर मॉड्यूल भी है, ब्लूटूथ वाला सिस्टम भी है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको ना यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर खोल के काम करेंगे तो अच्छे से नहीं होगा। और यहाँ से मैं फटाफट से इसके ये तीन स्क्रू यहाँ पे है, तीन स्क्रू इधर की साइड में, तो ये पिछला पैनल इसका खुल जाएगा, फिर हम अच्छे से काम कर सकेंगे। चलो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं इसको खोल लेता हूँ। फाइनली ये खुल चुका है और बहुत ही ज्यादा आसान था इसको खोलना। और गाइस यहाँ पे अब बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या माल पानी लगा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। चलो ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ना ये 4 ओम का 10 वाट के 2 स्पीकर, और बहुत ही ज्यादा सिंपल इसका मैकेनिज्म है। यहाँ पे ऊपर में एक कंट्रोल पैनल है जिसका सॉकेट मैंने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि अभी हम काम करेंगे ना इसके ऊपर। तो 2 स्पीकर है 10 वाट के 4 ओम के, ऊपर में कंट्रोल पैनल है, और ऊपर में साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए, लाइटिंग को और बेस को कंट्रोल करने के लिए, बस ये सब चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो हमने फ्रंट की साइड में मतलब सॉरी बैक की साइड में ये खोला था, यहाँ पे इसका एम्पलीफायर मॉड्यूल है जिसके अंदर ही गई यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल भी है, ठीक है। और उसके बाद ये लगा हुआ लिथियम आयन का सेल, जो कि सबसे बड़ी गई जो ना इसके अंदर गलती है कि भाई साहब सिर्फ एक ही सेल लगाया, तो एक सेल से बेचारा कितना बैकअप देगा यार, क्योंकि इतना मतलब मस्त बना है। तो यार कंपनी को इसके अंदर कम से कम थोड़ी सी बड़ी बैटरी या फिर ज्यादा एमएच का बैटरी वगैरह लगाना चाहिए था, ताकि ये थोड़ा सा ज्यादा बैकअप दे। तो यार जैसे ही अभी यही प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे कि ये चल रहा है कुछ टाइम के बाद ये बंद हो जा रहा है, और चार्जिंग करने में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये दिक्कत है। तो अभी यहाँ पे हम पहले सेल चेक करेंगे और चार्जिंग सिस्टम चेक करेंगे, तो उसको करने के लिए पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से खोल दिया है और यहाँ पे इसका सेल आ चुका है, जो कि है गाइस जो ना अभी मेरे को पता चला 2000 mAh का सेल है।
तो ठीक है, ज्यादा मतलब कम भी नहीं है, अच्छा बैकअप देगा। बट हाँ, इसके अंदर एक्सेल और लगा दे तो मजा आ जाता। चलो कोई बात नहीं, एक्सेल से काफी अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, ठीक है। और ये रहा इसका एम्पलीफायर मॉड्यूल, यहाँ पे दो स्पीकर लगा सकते हैं, यहाँ पे भाई साहब इसका कंट्रोल का सिस्टम, बैटरी का, और यहाँ पे भाई साहब इसकी लाइटिंग वगैरह का, क्योंकि इसके अंदर RGB लाइट लगी हुई है, तो यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए ये RGB मतलब लाइट लगाने के लिए। और इसका सेल अभी ना बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो है कनेक्शन हटा दिए, तो भाई साहब आ गया फाइनली। भाई साहब ये सेल बाहर आ चुके, तो अभी पहले मैं ना ये सेल चेक करता हूँ कि इसकी वोल्टेज कितनी है, और उसके बाद भाई साहब ये भी देखता हूँ कि इसके अंदर ना यहाँ पे चार्जिंग करने के दौरान यहाँ पे बैटरी के ऊपर कितनी, मतलब बैटरी जहाँ पे लगाते हैं ना वहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो चलो ये देखते हैं, और ये सब चीज़ें मैं चेक करता हूँ, फिर आपको ना लास्ट में, मतलब लास्ट में ना टाइम लैप्स के बाद दिखाता हूँ चेक करने के बाद, और आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। काफी देर भाई साहब चेक वेक करने के बाद मेरे को पता चला भाई साहब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैंने भाई साहब इसको चार्जिंग केबल लगा के इसके अंदर सारी चीजें हटा के, बैटरी भी हटा के चेक किया भाई साहब कि इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसके अंदर वोल्टेज आ रहा है। चार्जिंग का सॉकेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गई जो ना इसके अंदर ऐसी गड़बड़ है कि जा वोल्टेज नहीं आ रही, तो सब ओके। बैटरी चेक किया, बैटरी भी गई इसका सही है, बैटरी अच्छे खासे वोल्टेज निकाल रही है। और गईज मेरे पास यहाँ पे एकदम नया सेल था, जो कि अभी तक मैंने यूज भी नहीं किया था और फुल चार्ज था, जब मैंने इसको भी लगा के इसके अंदर चेक किया ना, तो भाई साहब ये इसके अंदर भी प्रॉब्लम दे रहा था वही वाली। बट इसीलिए भाई साहब यहाँ पे JBL के स्पीकर इतने महंगे आते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम आपको ऐसे एम्पलीफायर, छोटे मोटे एम्पलीफायर, सस्ते एम्पलीफायर, उसके मतलब सस्ते ब्लूटूथ स्पीकरों के अंदर मिलेगी, ठीक है। हो सकता है मैक्सिमम के अंदर आए, बट हो सकता है कुछ के अंदर ना भी आए, ठीक है। हम ट्राई कर सकते हैं कि इसके अंदर 2500-3000 mAh का सेल लगा के इसको चलाएं, तो हो सकता है ये अच्छा काम करे। बट यहाँ पर ये एक रिस्क है, हो सकता है ये बेचारा एम्पलीफायर झेल ना पाए और ये उड़ जाए, ठीक है, हीट होने के बाद, क्योंकि जैसे ही मैंने ये सेल भी लगाया था ना, तो थोड़ा बहुत हीट हो रहा था एम्पलीफायर, और अगर मैंने इसके अंदर 3000 mAh का सेल लगा दिया तो थोड़ा टाइम ही चलेगा, 1-2 मिनट उसके बाद उड़ जाएंगे, तो ये रिस्क हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पे बस इसको चार्जिंग करते वक्त इसको चलाओ और मस्त एंजॉय करो, और चाहे आवाज ज़्यादा करो कम करो, बंद नहीं होने वाला। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको वापस से बंद कर दिया, और अभी इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये मैं आपको बताऊंगा और इसको चला के दिखाऊंगा। और ये देखो भाई साहब ये चार्ज हो रहा है, बट इसका चार्जिंग करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज गाइस ये ऑलरेडी बैटरी इसकी चार्ज है। इसको चलाते हैं, इसको ऑन करता हूँ यहाँ से मैं, तो ये ऑन हो चुका, देखो ऑन हो गया, तो ये ऑन है, ठीक है। इसकी लाइट वैसे बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी कैसे, तो ये कनेक्ट भी हो चुका है। अभी आपको ना एक चीज बताऊं, जब मैंने ये वाली बैटरी लगाई ना इसके अंदर, तो इसका ये एम्पलीफायर जो है ना वो हल्का हल्का सा जो ना हल्का सा हीट हो रहा है, तो उससे मेरे को ना ये पता चल गया कि हाँ इसके अंदर ज्यादा एमएच की बैटरी लगाना बेकार है, क्योंकि जैसे ही ज्यादा एमएच की बैटरी लगाई इसका IC वगैरह उड़ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम ये नहीं करेंगे। तो हाँ अब ये काफी ठीक है, मतलब यहाँ पे बस ये है कि इसको कम वॉल्यूम पे हम चलाएंगे ना तो काफी अच्छा काम करेगा, और साथ में चार्ज भी लगाना पड़ेगा, साथ में गई इसकी लाइट भी बंद करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आवाज एकदम कम कर देता हूँ, देखो अगर मैं कम आवाज के अंदर चलाऊंगा ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारा एम्पलीफायर बोर्ड सही है, सर्किट सही है इसका। देखो हल्की सी और आवाज बढ़ाऊंगा, थोड़ी थोड़ी आवाज बढ़ाता रहूंगा, ठीक है। देखो भाई कम आवाज पे एक नंबर काम कर रहा है, जैसी आवाज बढ़ाऊंगा देखो यहाँ पे थोड़ी और आवाज बढ़ा दी, अभी लाइट बंद है ना तो इसलिए काम कर रहा है। लाइट ऑन करता हूँ, अभी लाइट ऑन कर दिया, अभी आवाज बढ़ाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी साथ साथ चार्ज हो रहा है ना तो अच्छा काम कर रहा है ये, जैसे चार्जिंग हटा दूंगा बंद, ठीक है। तो ये देखो भाई साहब बंद हो गया, जैसे चार्ज लगाऊंगा तो देखो ये ऑन हो गया। इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि हम डायरेक्टली इसके अंदर जो ना जहाँ पे बैटरी लगाते हैं वहां पे इसको डायरेक्टली चार्जर से वायर लगा के इसको डायरेक्ट चलाएं, तो फिर ये बंद नहीं होने वाला।
बट उसका क्या फायदा, ठीक है। तो चलो बहुत मजा आया होगा, लाइक करना सब्सक्राइब कर देना। और आपको मैंने बता दिया क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, इसके अंदर सब कुछ वगैरह दिखा दिया। और एक ऐसी प्रॉब्लम है कि बस मतलब इसका सोल्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल है और रिस्की भी है। अगर बैटरी बड़ी लगा दी तो सर्किट टूट जाएगा, अगर कहीं इशू ना डायरेक्ट चलाएं तो फिर मजा नहीं आएगा। तो बस ये ऐसी ही है, अब क्या कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।